92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम हम बहुत खूबसूरत बना के लाए हैं और मैं अनूप जलोटा आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत सुंदर दोहे के साथ। कबीरदास जी का दोहा है, इसे सुने और देखिए इसमें कैसे परमार्थ की बात को इतनी सुंदरता से कह दिया गया है। साधु बड़े परमार्थी जो घन बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए हो, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। जिस प्रकार ये जो बादल हैं वो वर्षा करते हैं और दूसरों की तपन गर्मी सब बुझा देते हैं, कितना लाभ देते हैं उन खेतों को जहाँ वर्षा की आवश्यकता है, लेकिन उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वो बादल आता है, अपना पानी डालता है और चला जाता है, पूरा परमार्थ का काम करता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं करता है। वैसे ही संतजन होते हैं, वो अपने ज्ञान रूपी पारस से दूसरों को ज्ञान देते हैं, उनका अपने सुख की कोई चिंता नहीं होती, वो केवल परमार्थ का ही काम करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को आनंद देते हैं, लोगों के दुख को दूर करते हैं और लोगों को एक ऐसी स्थिति पर ले आते हैं कि उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग मिल जाता है। इसलिए परमार्थ को सबसे बड़ा धर्म कहा गया, परमार्थ को सबसे बड़ी समाज सेवा कहा गया। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे मुझे यानी अनूप जलोटा को। और अब मैं आपके पास आता हूँ एक ऐसे स्थान के बारे में चर्चा करने जहाँ लोग जाते हैं, सर नवाते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। आज आपको लेके चलूंगा चिंतामन गणेश टेम्पल, जो उज्जैन में है और बहुत ही महत्व है इस मंदिर का। थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ, इसकी चर्चा करता हूँ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और आज मैं आपको ले चल रहा हूँ उज्जैन। जी हाँ, उज्जैन तो वैसे महाकाल की नगरी मानी जाती है और वहाँ पर भगवान शंकर का पूजन होता है, महाकाल का पूजन होता है, लेकिन वहाँ एक और बहुत सुंदर मंदिर है, चिंतामणि गणेश मंदिर। जी हाँ, गणपति का बहुत सुंदर मंदिर। चिंतामणि का अर्थ होता है भगवान विष्णु। इस मंदिर में गणेश जी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी प्रतिमा है और हिंदू धर्म के अनुसार हर कार में गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है, इसलिए इस मंदिर को बहुत महत्व दिया गया है। बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर आनंद लेने और भगवान को प्रणाम करने। ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पर देवी देवता विचरण किया करते थे तब गणेश जी को ये स्थान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने यहाँ पर ये मंदिर बनाया, इसीलिए इस मंदिर को स्वयंभू मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि गणेश जी ने इस मंदिर को स्वयं अपने हाथों से बनाया था, इसीलिए तो इसका इतना ज्यादा महत्व है। एक और बहुत विशेष बात है कि जब सागर मंथन हुआ था तो बहुत कुछ उसमें से निकला था, उसमें से अमृत भी निकला था और उस अमृत की एक बूंद उज्जैन में भी गिरी थी, इसलिए लोग उज्जैन अवश्य आते हैं क्योंकि उन्हें लंबी आयु इससे प्राप्त होती है और इस अमृत के असर से उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं, आनंद ही आनंद जीवन में समा जाता है। तो आपको जब अवसर मिले उज्जैन अवश्य जाएं और चिंतामणि गणेश मंदिर के दर्शन करें। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं आज का शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ और अब मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा और देखते हैं उस भजन में ऐसी कौन सी बात है जो हमारे जीवन को और सुंदर बना सकती है। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। जपना है सो जप ले बंदे रे, जपना है सो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा तू, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। इस भजन में कितनी अच्छी बात कही है कि ईश्वर का जो नाम लेना है वो आज ही ले लो, ये ना सोचो कि कल ले लेंगे परसों ले लेंगे। अरे किसने देखा है कल कब आएगा परसों कब आएगा, आज का दिन हमारे साथ है, हमारे समक्ष है, तो आज ही वो अच्छे काम कर लिए जाए जो हमारा मन चाहता है, जो हमें करने चाहिए। तो नाम हरि का जप ले बंदे कल पीछे पछताएगा, तो बेहतर है कि आज ही अच्छे काम कर लो जो आगे चल के कल काम आएंगे, जब हम ईश्वर के पास पहुंचेंगे वहां काम आएंगे। आज हमारे पास एक बहुत अच्छे गायक हैं, इनका नाम सुनते ही मन में भक्ति उमड़ पड़ती है, आप हैं शिवम शिवालय। तो थोड़ी देर में आपको मिलाता हूँ शिवम शिवालय से, उनका गाना भी सुनेंगे, उनसे बातें भी करेंगे। तब तक आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। आज आपने सहर कार्यक्रम का बहुत आनंद लिया होगा क्योंकि हम लोग बहुत प्रेम से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आज जो चुने चुने भजन हैं वो भी आपको अच्छे लग रहे होंगे, और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत अच्छे गायक जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या भी की है, जिन्होंने अपने जीवन में साधु संतों का साथ भी किया है। कहते हैं इसी को सत्संगत कहते हैं। सत्संगत का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के साथ बैठ के केवल चार अच्छी बातें कर लें, नहीं, आपको कुछ चीजें जीवन से छोड़नी होंगी। सत्संगत तब सार्थक होगा, और छोड़ने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसे समूह को साथ में लेना होगा जो सच में इस प्रकार का जीवन गुजारते हैं। तो शिवम जी ने साधु संतों का साथ दिया है, उनके साथ बैठे हैं, समय गुजारा है और अपने को भी सुंदर बना लिया है। शिवम जी आपका स्वागत है हमारे सह कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, और ये मेरे जीवन का एक बहुत बहुमूल्य क्षण है। एक बड़ी सुंदर बात है कि आपका नाम है शिवम शिवालय जी, हुँ? ये दोनों नाम एक ही है, ये कैसे नाम रख दिया गया शिवम शिवालय जी? ये मेरे गुरुजी ने मुझे ये नाम दिया, जब मैं उनके चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण का मैं अध्ययन कर रहा था, तो उस दौरान उन्होंने मुझे ये नाम दिया। उनका कहना ये था कि शिव तत्व है तुम्हारे अंदर, मैं वो मतलब देख सकता हूँ, जो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उन्होंने मुझे कोई एक नाम दिया। बहुत अच्छा दिया। तो संगीत जो है वो जीवन में कैसे आया? संगीत मेरे जीवन में बचपन से रहा, मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायक थे। वाह, बहुत अच्छा। और दुर्भाग्यवश 8 साल पहले उनका निधन हो गया। सॉरी। तो उनका ये एक सपना था कि मैं म्यूजिक में ही आऊं, संगीत को ही अपने जीवन का ध्येय बनाऊं जी। तो मैंने हमेशा अपना रियाज जारी रखा, परफॉर्मेंस स्टार्ट किया। बहुत अच्छा। और आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मुझे अवसर मिले तो
आज कौन सा भजन आप सुना रहे हैं? अभी मेरे दिमाग में एक श्री रामचरितमानस की ही कुछ चौपाइयां आ रही हैं और मैं उनको गाना चाहूंगा। सुनाइए। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई इहा हरि निसिचर बैदे विप्र फिरहि हम खोजत ते शिवम जी, आपकी आवाज में भक्ति छलकती है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और हमारे शहर कार्यक्रम में आने के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद सर। 92.7 बिग एफएम पे आपने सुना अभी शिवम शिवालय। जी हाँ, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। आज का शहर कार्यक्रम हम यही समाप्त करेंगे और आपसे जल्दी मुलाकात हो रही है कल सुबह 92.7 बिग एफएम पे। अपना रेडियो ऑन करना न भूलिएगा क्योंकि मैं तो बिल्कुल समय से पहुंच जाऊंगा। कल मिलेंगे एक और खूबसूरत शहर कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अनूप जलोटा की नमस्कार। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7